तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आ गए एक और नहीं कमाल की डुओ गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। और आज का गेम प्ले अटैकिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं फुल रस खेलता हूँ। क्योंकि आज आप लोग के लिए कुछ टिप्स की वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि आज मैं सुबह से बिजी था तो इसलिए नहीं हो पाया। और मैं सोचा कि आज कुछ ना कुछ तो डालना है, तो एक रैंडम के साथ मैच स्टार्ट करता हूँ। जो कि मैं सोचा कि अगर गेम प्ले निकल जाए तो ठीक है, वरना शाम को फिर काम ही है तो जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे किस्मत था मेरा, यहाँ पे एक ही मैच में गेम प्ले निकल गया। फिलहाल तो ये जो मेरे साथ टीममेट है वो भी अभी ही भाग जाएगा, तो ये पूरा मैच सोलो वर्सेस डुओ का होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और उतरते समय एक बंदे को मारा था जो कि रिकॉर्डिंग में ऑन करना भूल गया था, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और आपको फिनिश दिखाता हूँ उसका। अब मेरा टीममेट यहाँ से देखो धीरे धीरे दूर जा रहा है, और आगे के साइड से गन साउंड आ रहा था, तो मैं जाता हूँ आगे के साइड और देखता हूँ मतलब क्या सीन चल रहा है। तो अब पूरा मिलिट्री बेस मैं ही खाली करने वाला हूँ अकेले, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना और काफ़ी अच्छा फाइट होने वाला है। ये बंदा मुझे स्पॉट कर लिया था और मैं भी इसको कर लिया था, तो मैं इसको आराम से हेड मार देता हूँ तो ईजिली ये टेक डाउन हो जाता है। और सामने एक बंदा दिखा था तो मुझे लगा कि इसी का टीममेट होता है, तो मैं नेट करता हूँ और वो बंदा वहीं पर होता है और लास्ट टाइम पर वो निकल जाता है। तो फिलहाल ये बंदा बच जाता है, और तभी यहाँ से एक बंदा लेफ्ट साइड से जाते हुए दिखता है, जो कि ये था उसका टीममेट जिसको मैं पहले नॉक किया था। तो उसके बाद ये टीम तो ख़त्म हो जाती है और बचता है सामने वाला। तो मैं ट्राई कर रहा था कि उसको मारूँ तो मारूँ कैसे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ और देखने की ट्राई करता हूँ कि बंदा कहाँ है, और उसको मैं ट्रोल भी करता हूँ ग्रेनेड का पिन खींच के, लेकिन वो फुटप्रिंट दे नहीं रहा है। तो मैं चला जाता हूँ आगे की साइड ताकि उसको कुछ चुल हो और वो रस करे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन उसके बाद उसके चलने का साउंड तो आ रहा था, लेकिन मुझे प्रॉपर उसका लोकेशन पता नहीं था, तो यहाँ पे बस ट्रोली कर रहा था। और तभी यहाँ पे एक बोट आता है जो कि वो बोट को मार देता है वो बंदा, और मुझे पता चल जाता है कि बंदा कहाँ पे है। यहाँ पे हल्की सी झलक दिखती है मेरे को, आगे जाता हूँ और यहाँ पे पूरा कन्फर्म होता है। ट्राई करता हूँ नेट से मारूँ, लेकिन नेट कुछ ज़्यादा ही कुक हो जाता तो वो रास्ते में फट जाता है, वरना वो नेट से इजीली मर जाता। तो मैं एक सामने आइस बॉल बनाता हूँ ताकि उसको मार सको क्लोज में जाके। तो वो बंदा भी मुझ पर रस पे अभी तो फिलहाल के लिए नहीं कर रहा था, तो मैं थोड़ा क्लोजिंग करने की ट्राई कर रहा था, और मैं सोचा था इसके आगे नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि मैं ही मारा जाऊँगा। तो फिलहाल वो बंदा रस करता है मेरे पर, और यहाँ पर भाई पता नहीं क्या ही होता है मेरे फ़ोन में, मैं फायर बटन दबाता हूँ दबता नहीं है, तो कुछ ऐसे ही हुआ था और काफ़ी ज़्यादा मिस भी हो गया था वो बंदा। लेकिन एट द एंड उसको मार ही दिया, और उसको मारने के बाद मैं यहाँ से निकल ही रहा था, तभी यहाँ पे फैक्ट्री के साइड से मेरे को गन साउंड आता है। तो चलो उसको पहले मारते हैं और फिर निकलेंगे। यहाँ पे कुल मिला के दो टीम या तीन टीम होती है, तो अब देखो मैं अकेले उनको कैसे मारता हूँ। तो एक टीम मेरे सामने होती है जो कि मेरे को स्पॉट हो जाती है, तो वो टीम दूसरी टीम पर TPP ले रहे थे, इसको ईजी खूंटी पर लटकाया। और इसके दूसरे टीममेट को देखो कैसे मारूंगा, फिलहाल तो आगे जाता हूँ और यहाँ पे जो बंदा मारता हूँ मुझे लगता है कि इसका टीममेट है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये अलग ही टीम का बंदा था और कुछ पता भी नहीं चल रहा था भाई कि कौन किसके टीम का है। इजी इसको भी मारा नॉक किया, और सीधे फिनिश भी करता हूँ ताकि किल जाए ना। और मुझे लगा कि अब कोई नहीं है, तो इन दोनों में फ़ाइट हो रही होगी, तो मैं सामने जाता हूँ तो मुझे एक बंदा दिखता है, तो मुझे लगा कि इसका टीममेट होगा, लेकिन वो अलग ही टीम थी, दो मतलब दो बंदे थे वहाँ पर। अब भाई साहब अटैचमेंट था नहीं गन में बिल्कुल, इतना काँप रहा था। और यहाँ पे मैं फिर से होल्ड करता हूँ, और इस मतलब शॉट के बाद वो बंदे मेरे को कतई दिखते ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे काफ़ी देर होल्ड करता हूँ। और वीडियो थोड़ा कट कर दो ताकि ज़्यादा लंबा ना देखने को मिले आपको वीडियो। और यहाँ पर मैं एक मोली करता हूँ, फिलहाल मोली से कुछ होता नहीं है, तो मैं एक और कवर बनाता हूँ यहाँ पर। और टाइम ज़्यादा हो गया था, मैं थोड़ा वीडियो कट कर दिया, लेकिन उनका जो फुटप्रिंट था मतलब चलने का फुटप्रिंट तो नहीं आ रहा था, लेकिन साउंड आ रहा था चलने का, और वो लोग नीड वगैरह सब कर रहे थे मेरे पे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा अनसेफ सोच रहा था कि भाई यहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक सामने आइस वॉल बना लेता हूँ ताकि मैं पीछे के साइड से निकल सकूँ और जो मेरा टीममेट है देख ही सकते मतलब कितना दूर चला गया। अब यहाँ पर मेरे को क्लियर हो गया था कि कंटेनर में से आवाज़ आ रहा है, तो वो लोग फ्लैंक कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ और मुझे पता था कि कहाँ से आएगा, तो इसको आराम से मैं नॉक कर दिया, और इस बारी थी अभी इसके टीममेट को। अब भाई सब यहाँ पे देखना मतलब मरते मरते बचा, क्योंकि मेरा फायर बटन ही नहीं दबता, कई बार प्री फायर देता हूँ।
पहले इसको खोला तो मेरा बटन ही टैप वाला नहीं दबा, फायर वाला। फिलहाल उसको तो कैसे तैसे करके मार ही दिया और इजी मार दिया, तो क्योंकि इसका मतलब मेरा बुलेट हेड लग गया था तो ये आराम से मर गया। तो आशा करता हूँ कि यहाँ की फ़ाइट भी आप लोग को पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो बनता है और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके लिए कॉन्करर गेम प्ले और कुछ टिप्स वगैरह देते रहता हूँ। तो फिलहाल वहाँ पे मिलिट्री बेस पे जोन था, उस वाले पुल से मैं नहीं गया तो आता हूँ नोवो वाले में। और ये मेरे को बग्गी चाहिए थी क्योंकि मेरे को ऐसी लोबी में बग्गी काफ़ी अच्छी लगती है, और अचानक से भाई साहब फायर होता है तो मैं घबरा के तुरंत ही एक आइस वॉल बना लेता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी देर तक फाइट होने वाली है क्योंकि मेरे को पता नहीं था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ट्राई करता हूँ मारने की, एक आगे वॉल बनाता हूँ। और भाई साहब यहाँ पे वो ग्रेनेड वगैरह सब फेंक रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से मतलब उसको फ्लैंक करके पूरा मार दूंगा। तो स्मोक करता हूँ अपने बग्गे पे ताकि मैं निकल के पीछे के साइड जाऊँ, लेकिन तभी वो बंदा सोचता कि मैं भाग रहा हूँ। भाई साहब जंप कर देता है तो इसको भी इजी मारा। तो ये किल भी जिसको अच्छा लगा हो तो भाई भाई की मेहनत को थोड़ा सपोर्ट करो यार, काफ़ी टाइम हो गया और आप सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं करते उसके। और उसको मारने के बाद उससे लूट लेता हूँ और आता हूँ मैं इस ड्रॉप पे क्योंकि बंदे मिल नहीं रहे थे अब। तो यहाँ से ग्रोजा उठाता हूँ और यहाँ पर निकल ही रहा हो तो तभी कुछ दिखता है मेरे को, और भाई साहब क्या ही हगा मैं, मतलब पहले तो हुआ नहीं और दूसरे बार में जब स्कोप खोला तो लेट गया क्योंकि स्कोप का और लेटने का एक ही जगह है मेरे पास बटन है। और उसके बाद भाई साहब फायर बटन ही नहीं चालू हुआ तो ये बंदा तो बच गया। और तभी कार्तिक भाई आ रहे थे पीछे से जिनको मैं इजी हम लोग भेज दिया। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी देर तक मैं रुकता हूँ ताकि मुझे लगता है कि सामने जाके बंदा रुका हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं पीछे पहले देख लेता हूँ ताकि पीछे से कोई थर्ड पार्टी ना कर दे। तो मैं सोचता हूँ कि अपने बग्घी पे स्मोक करके निकलूँ, और वैसा करता भी हूँ तो मैं पूरा फ्लैंक करता हूँ पीछे के साइड से, लेकिन वो बंदा दिखता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि अब निकलते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि भाई मेरे जो रैंडम है दो नंबर उसको कोई खूटी पर लटका दिया। तो मैं क्विक चैट से मतलब वेट का कुछ करना चाह रहा था, लेकिन भाई साहब स्क्रीन थोड़ा काम नहीं करती तो हुआ नहीं और वो फिनिश भी कर दिया। तो अब बदला लेना बनता था तो मैं आगे जाता हूँ। अब इतना भी नहीं पता था कि यहीं पे मरा है बंदा, वरना मैं थोड़ा और जल्दी ट्राई करता। फिलहाल तो मैं गाड़ी लेफ्ट साइड में रोकता हूँ पीछे से ताकि मैं उनको पता भी ना चले और उनको मार भी दूँ। मैं आगे जाता हूँ इस सामने वाले पत्थर पर, और तभी मेरे को बंदा स्पॉट भी हो जाता है। इसको खूटी पर लटकाया, बारी थी इसके टीममेट को हम लोग भेजने की, तो मैं इसको फिनिश करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे उसके टीममेट का लोकेशन पता नहीं था। तो मैं देखता हूँ कि किस साइड जा रहा हूँ, और पीछे की साइड एक कॉर बना देता हूँ, और वो बंदा जिस साइड से जा रहा था उस साइड ही मैं देखा तो उसका दूसरा बंदा भी ईजिली मेरे को स्पॉट हो गया। तभी एक भाई साहब पीछे से बंदा आ रहा था जिसको हेड हेड बजा दिया। तो यहाँ का फ्री फाइट जिसको अच्छा लगा हो तो भाई कितने बार बोलूँ, मतलब कर देना यार। और मारने के बाद जो चिढ़ाने का मज़ा है वो कुछ अलग ही होता है। तो भाई साहब मज़ा ही आ गया था, और कुल मिला के जोन में बचे थे 7 बंदे, और मैं जोन में एंटर कर रहा था तभी मेरे को सामने के साइड वेज दिखती है, तो मेरे को पता होता है कि यहाँ पे बंदे हैं और मैं थोड़ा डैमेज करता हूँ और काफ़ी देर तक यहाँ पर होल्ड करता हूँ क्योंकि मुझे अब चिकन निकालना था। काफ़ी दिन के बाद अच्छा गेम प्ले निकला था, और यहाँ पे काफ़ी सारी टीम आ रही थी जिनको इन दोनों ने मिलके एक एक करके मार दिया था, और बारी थी इनके मरने की। ये बंदा सही से देखा नहीं मैं किस साइड हुआ, अंधा मतलब मेरे पे रस कर दिया जिसको मैं पहली खूंटी पे लटका दिया था, और साथ ही इसके टीममेट को रस करके सीधे हम लोग भेजा। तो इन दो को भी मैं ईजिली मार दिया था। तो कुल मिला के अब जोन में 3 बंदे बचे थे। अब मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ है, तो मैं आता हूँ इस वाले घर पे। अब जोन में तो मैं था ही, और तभी मेरे को चलने का साउंड आता है। माक तो अभी नहीं आया था, माक भी आ जाएगा। तो चलने का साउंड आता है और मुझे माक आता है, तब मुझे लगता है कि हाँ बंदा एक ना एक बंदा यहाँ पे है। तो मैं सामने वाले घर में पहले सोचता हूँ, लेकिन पीछे से माक आता है तो मेरे को पक्का हो जाता है कि भाई पीछे के साइड तो यहीं पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक मोली कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ पीछे, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि एक बंदा है कि दो, क्योंकि मार्क तो एक ही का आ रहा था।
और इजी इसको भी मारा। और जैसा कि मैं बताया था ये थोड़ा नूब टाइप का था, और जैसा बताया था कि यहाँ पे काफ़ी सारी टीम भी आई थी तो उन दोनों ने मार दिया, तो उन्हीं में का एक ये बच गया होगा, कहीं छुप गया था, जो कि मैंने मार दिया। तो यहाँ पे भी थोड़ा होल्ड करने के बाद मैं आता हूँ जोन में। अब एक बंदा था, मैं उसके पास से आया था लेकिन उसने फायर नहीं किया और मैंने भी इग्नोर कर दिया, लेकिन मुझे लगा था कि हाँ वहाँ पर कोई बंदा है, लेकिन भाई साहब पता नहीं चलता। और मुझे अभी भी एक पत्थर पे छोटी सी झलक दिखती है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा पीछे के साइड। अब यहाँ पे पूरा कंफर्म हो गया था क्योंकि जोन भी आ रहा था और वो बंदा जोन के बाहर था और डर के मारे मतलब आ नहीं रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, भाई साहब मुंडी दिखाया उसको, दो हेड दिया, एक हेड और मारना था तभी मेरा पता नहीं कुछ रिकॉर्डिंग का वो आ गया था क्योंकि स्टोरेज फुल का कुछ ऑप्शन तो वहाँ पे रह गया और वो बंदा जोन के बाहर था, तो दो हेड में मार दिया था, पूरी मेहनत मेरी थी और वो जोन से मर गया। तो चलो कोई बात नहीं, आई होप सो वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही चैनल पे जो पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस चैनल पे आपको कॉन्करर से रिलेटेड हर चीज़ आपको देखने को मिलती रहे। तो भाई थोड़ा सपोर्ट दिखाओ ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते कल की वीडियो में, आज के लिए बाय।